रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्यूअर्स कैसे हैं आप सब? अल्लाह की इज़्ज़त से उम्मीद है इंशाअल्लाह आप सब खैरियत और आफियत से होंगे और अल्लाह ताला हमेशा रखे अपनी हिस्समान में खैरियत से आफियत से, आमीन या रब्बी। आज हम हाजिर हुए हैं अपनी डेली की रूटीन के साथ और अपने न्यू वीडियो के साथ, न्यू ब्लॉग के साथ, और वो है आज एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही जो है ना हमारे साइड की जो है वो ये डिश है और बहुत ही मज़ेदार है। नेम तो अभी मुझे सही से खुद भी नहीं आता, हम उसको बोलते हैं अपनी ज़बान में जो वही बस मुझे पता है और उसी को हम बनाने जा रहे हैं। इंशाल्लाह मैं आपको बताती हूँ कि भला उसको आप क्या कहेंगे और क्या बोला जाता है उसको किसी और ज़ुबान में। तो चलिए, उसके लिए हमने सबसे पहले ले लिया है अपनी डिश की के अंदर ऑयल लिया है और हद से ज़रूरत हमने प्याज और लहसुन ले लिया है, जिसके बगैर हमारा जो है ना वो खाना तैयार नहीं होता और अनमुकम्मल है, अनकम्प्लीट है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या लिए हैं, प्याज, और इनको प्याज और लहसुन को हमने अच्छे से ब्राउन करना है और दिखाती हूँ मैं आपको कि वो है क्या चीज़ जिसको अभी आज हम बनाने लगे हैं। व्यूअर्स ये देखिए, साथ में जो है हमारी प्यारी प्यारी सी बकरियां जो है वो ताज़ा ताज़ा फ्रेश जो है ना वो सैलेड नोश फरमा रही हैं, देख सकते हैं आप माशाल्लाह से, ये अभी जो है ना वो इनके लिए आया है। और साथ में जो हमारी मुर्गियां हैं वो भी जो है ना इस सैलेड को खाए बिना चैन इनको भी नहीं आता, रहती नहीं है। मुर्गियाँ और बकरी, हमारी प्यारी सी बकरी, ये जो है अभी फ्रेश सैलेड नोश फरमा रही हैं और हम बना रहे हैं साथ में अपना यूनिक स्टाइल कड़ी, इसको आप बोलेंगे कड़ी। और ये कौन सी कड़ी है, तो ये है, मैं आपको दिखाती हूँ, एक यानी जो गर्म इलाके हैं उनकी तरफ होता है, उस पौधे का नाम है शनी, मेरे ख़्याल से उनको बोला जाता है, नहीं करी कुछ ऐसा ही है, अलबत्त मैं पूछ के आपको अच्छे से बताती हूँ। और वो मैं उनकी पिक्चर भी साथ अटैच करती हूँ कि जब वो ग्रीन होती हैं, यानी बॉल्स उनकी ग्रीन होती हैं और फिर उनको सुखाया जाता है अच्छे से, फिर उनको साफ़ किया जाता है और फिर उसके बाद उनको पकाया जाता है, और वो कहलाती हैं हमारी पंजाबी ज़बान में डेलियाँ, डेलियों की कड़ी है। मैं इनका आपको नेम बताती हूँ सर्च करके कुछ के उर्दू में इनको क्या कहा जाता है। बस ये देखिए, अब माशाल्लाह से हमारी जो प्याज हैं वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और अब हमने यहाँ पर नॉर्मल ही मसाला लेना है, यानी कि ये है हमारी कश्मीरी लाल मिर्च, और उसके साथ फिर हम डाल रहे हैं हल्दी, और यहाँ पर हम हल्दी का यूज़ जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे नॉर्मल हिसाब से, और साथ में हम यहाँ पर डालने वाले हैं नमक को, यानी कि मसाले हैं जो हैं वो इसके अंदर जाएंगे नॉर्मल ही, ठीक है, कुछ ख़ास नहीं है इसी तरीके से। और अब रह गया है खुश्क धनिया, तो उसको हम ले आते हैं, वो हमसे मिसिंग हो गया। तो व्यूअर्स ये है वो स्पेशल चीज़ जिसका आपको इंतज़ार था, तो चलिए देख लेते हैं। ये है फिर जनाबे वाला डेलियाँ हमारी, आप देख सकते हैं ये पहले सूखती हैं, सुखाया जाता है इनको और फिर जो है इनको अच्छे से साफ़ किया जाता है, इनके बीजों को निकाला जाता है, ये अंदर बीज से भरे होते हैं जैसे कि अमलोक होता है, यानी छोटे वाला काला अमलोक होता है ना, जो इस सीज़न में चल रहा है और मुझे बहुत पसंद है, ये उसी टाइप के होते हैं, ये गोल होते हैं और इनके अंदर बीज होते हैं, बीजों को निकाल लिया गया है क्योंकि वो बहुत ही कड़वे होते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मंद चीज़ है, यानी कि अक्सर हमारे यहाँ कोई बीमार हो, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो, उसका किसी चीज़ पर दिल ना कर रहा हो, तो उसको ये बनाकर खिलाया जाता है और फिर खुद ब खुद दिल खाने को भी हो जाता है। ये अच्छी डिश है माशाल्लाह से, जायकेदार। और अब हम इसको डालने वाले हैं अपनी देसी के अंदर और इसको करेंगे फ्राई अच्छे से, ठीक है। चलिए अब हम इनको कर लेते हैं फ्राई। तो व्यूअर्स ये देखिए, अब ये अच्छे से जो है वो फ्राई हो रहे हैं और हम इनको अच्छे वाला ही फ्राई करेंगे, अब ये देख सकते हैं माशाल्लाह से
इनका कलर इसके मसाले का जो है ना वो ऐसे ही होना चाहिए। और अभी मुझे याद आ रहा है कि मार्केट में मिलता है रसूड़ा, अचार के लिए अक्सर लोग यूज़ करते हैं, और ये उसकी तरह भी कुछ ज़्यादा ही लग रहे हैं। तो अब हमारी आंच भी जो है वो बहुत ही हल्की हो चुकी है, हम इसको भी कुछ हल्का फुल्का सा तेज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि ये हमारे अच्छे से फ्राई हो जाए और फिर हम नेक्स्ट प्रोसीजर इसके साथ कर सकें। तो बस ये देखिए, अब जो हमारे करीम के पौधे के साथ के जो फल था, और अभी मुझे बताया जा रहा है इसकी हिस्ट्री बहुत अच्छी बताई जा रही है, जो कि बहुत इस्लामिक भी है, बट मुझे उस पर अच्छे से यकीन नहीं है। तो इंशाल्लाह वो मैं अच्छे से पूछूंगी पहले और फिर आपके सामने जो है वो बयान करूंगी। लेकिन इसको दवाई के तौर पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, यानी मैंने जैसे अभी जिक्र किया था, बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये अब जो इसकी नेक्स्ट तरीक़ेकार है वो है हमारे पास दूध आधा किलो के करीब, और हम इसके अंदर जो है वो अब डालने वाले हैं। ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देख सकते हैं आप इसका ये वाला कलर, बहुत ही खूबसूरत कलर है, दिल को लुभाने वाला, और इसका जो टेस्ट और जायका है वो तो आप टेस्ट करके ही बता सकते हैं कि कितने मज़े का है। और अगर आपके यहाँ भी ऐसी कोई चीज़ है, या आप इसका नाम जानते हैं, मुझे तो नहीं पता चला अभी तक इसका उर्दू में नेम, तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट्स करके कि आपकी तरफ जो है वो इसको क्या बोला जाता है, और आप इसको किस तरीके से बनाना पसंद करते हैं या कैसे बनाया जाता है। तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा मेरे साथ। और अब हम इसको अच्छे से उबाल दिलवाएंगे, यानी जो अभी हमने दूध डाला है इसको हमने 2 से 3 उबाल दिलवाने हैं, और फिर जो है हमारा डेलियों की जो कड़ी है वो रेडी स्टडी है। ठीक है, तो अभी हम इसका वेट करते हैं थोड़ा सा, इसको अच्छे से पकाते हैं। व्यूअर्स ये देख सकते हैं, अब आप हमारी कड़ी को जो है वो अच्छे से उबाल आ रहे हैं, और हम 1 से 2 मिनट के लिए और इसको आने देंगे उबाल को और पकने देंगे, ताकि जो हमारा हमने अभी दूध डाला है वो कच्चा था वो अच्छे से पक जाए। ठीक है, उबाल दिलवाने का मकसद यही है, और जो हमारी डेलियां हैं उनके अंदर, ताकि ये टेस्ट भी जो है वो आ जाए अच्छे से, और सारे जो है ना वो हमेशा की तरह यकजान हो जाएं। तो ये देख सकते हैं आप, और ये माशाल्लाह से इनका टेस्ट तो आप ना ही पूछे लाजवाब होता है, और जैसे कि मैंने बताया कि ये सेहतमंद ग़िज़ा है। तो चलिए फिर, आप जहाँ जहाँ से मुझे देख रहे हैं बताइएगा कि आपके यहाँ इनको बनाया जाता है कि नहीं, और इनको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो व्यूअर्स ये देखिए, अब मैंने इसको चूल्हे के ऊपर से उतार लिया है, और माशाल्लाह से अब ये जो है ना हमारा कड़ी वो तैयार है माशाल्लाह से, बहुत ही मज़ेदार। और अब हम हमारी जो आखिरी हमारे उसकी जीनत है सालन की, और वो क्या है आप भी जानते होंगे, धनिया। हमारे छोटे से खूबसूरत से बागीचे का खूबसूरत सा धनिया, और वो है हमारे हर रेसिपी की शान और हमारे हर रेसिपी का एंड। तो चलिए उसको ऊपर डाल देते हैं। तो व्यूअर्स ये देखिए, अब मैंने इनके ऊपर धनिया डाल दिया है अपनी खूबसूरत सी कड़ी के ऊपर, और अब हमारी ये जो कड़ी है वो रेडी है, और अब हम इसको ढक देंगे अपनी रेचकी को। और ऐसी ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ के लिए हमें फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारी वीडियोस को, और कमेंट्स करना तो हर किस्मत भूलिएगा। और हमारी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नई और अलग सी मज़ेदार सी चीज़ बनाने के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।